हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। टैली प्राइम में आज क्या दिखा रहा हूं आपको, देखिए जरा, ये टैली प्राइम का एडिट लॉग वर्जन ओपन है। और कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा अनयूज्ड, यानी अनयूज्ड का मतलब कि जिसका आपने यूज ही नहीं किया और कंपनी बनाए काफी टाइम हो गया, वो जो है स्टॉक आइटम या लेजर्स पड़े रहते हैं। ठीक है, अब उनकी जरूरत आपको पड़ी नहीं तो आप का जो है वो बेकार रहा लेजर। ऐसे में हो सकता है कि भविष्य में आप कभी उसका यूज करें, या ये भी हो सकता है कि आपको उसे डिलीट करने की जरूरत पड़े। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना। ये टैली की मेन मेन्यू है गेटवे ऑफ टैली, और यहां से आपको जाना है कहां पर, चार्ट ऑफ अकाउंट पर। ये चार्ट ऑफ अकाउंट पे आए क्योंकि यहां देखिए स्टॉक आइटम के लिए यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको स्टॉक आइटम पे चले जाना है। तो ये आ गए, और यहां पर आने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर एक एक्सेप्शन रिपोर्ट मिलता है। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट का क्या मतलब है, यहां पर वो रिपोर्ट देखी जाती है जो कि अनयूज्ड हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर मैं कंट्रोल के साथ जे प्रेस करता हूं, तो आप देखेंगे यहां पे कह रहा है ना कि शो यूज्ड स्टॉक आइटम। यहां पर जैसे ही जाएंगे ना तो शो अनयूज्ड दिखाएगा, तो जो अनयूज्ड रहा वो स्टॉक आइटम यहां पर आ जाएगा। और आप एंटर करिएगा और इसको डिलीट करने के लिए अल्ट के साथ डी प्रेस कीजिएगा, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, अगर आप लेजर्स में जा रहे हैं और लेजर्स कोई अनयूज्ड रहा, ठीक है, तो लेजर्स को ओपन कीजिए। अब इसमें भी आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो यहां पर क्लिक कर दीजिए। आप देखिए कह रहा है सो अनयूज्ड, तो जो अनयूज्ड है वो जो है आप ले सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर एक अनयूज्ड है आपके पास, अल्ट डी प्रेस करके इसे डिलीट कर सकते हैं। तो अल्ट डी किया, एंटर किया, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो अनयूज्ड स्टॉक आइटम जो कि बेकार में आपके पास पड़े रहते हैं उनको डिलीट करने का ये तरीका हो सकता है टैली प्राइम में। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।